अनोखी परंपरा जहां मन्नतधारी मन्नतें पूरी होने पर जमीन पर लेटकर अपने शरीर से हजारों गौ माता को निकालते, परंतु इस बार गायों में लंपी वायरस के चलते कई स्थानों पर यह पर्व नहीं मनाया गया। धार जिले के दसाई में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी गाय गोरी का कार्यक्रम रखा गया। बता दें, लंपी वायरस होने के कारण आज दसाई नगर में गाय गोरी का कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष अनुसार होता है, इस वर्ष भी परंपरा को निभाते हुए एक गाय से दो श्रद्धालु द्वारा गाय गोरी का कार्यक्रम किया गया। साथ ही दसाई श्री गोपाल कृष्ण गौशाला में गायों की पूजा की गई। नवीन गौग्रास रथ का लोकार्पण भी किया गया। बुजुर्ग लोग ना परंपरा से गाय को गोरी को मानते हैं, सब हम भी मानते हैं। और हम अभी वायरस का हिसाब से गौ माता का वायरस तो चल रहा है, इस हिसाब से हमने खाली एक गौ माता को ले जाके हमने पूजन कराया और गोरी पटकी ना, हम वापस आ गए हमारे। आपका नाम? नारायण। इस वर्ष भी गाय गोरी का जो आयोजन था, क्या रहा इस बार? इस बार लंपी वायरस चलने से गाय गोरी का माहौल नहीं बना, मात्र एक ही केड़ी को लाके, छोटी बच्ची को लाके ना हमने हमारा धर्म निभाया। कितने सालों से ये गाय गोरी का पर्व मनाया जा रहा है? परंपरागत से चल रहा है ये। इस बार जो लंपी वायरस है उसको लेकर गाय नहीं आई थी, तो जैसे एक गाय से आप गोरी गिरे हो, कितनी गायों से गिरे? एक गाय से। आपका नाम? काशीराम।